हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूबर अनुपम शुक्ला में। फ्रेंड्स, क्या आप भी अनवांटेड हेयर से परेशान हैं? पार्लर के चक्कर लगाती हैं, बार बार हेयर ग्रोथ हो ही जाती है। कुछ भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, हेयर ग्रोथ बार बार हो जा रही है। कई तरीके आप अपना चुकी हैं, फिर भी हेयर अनवांटेड हेयर आपका पीछा नहीं छोड़ने हैं। शेविंग भी करती हैं, वैक्सिंग भी करवाती हैं, इन सब से हमें परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता और उसके बजाय साइड इफ़ेक्ट तो देखने को भी मिल जाता है। जैसे कि चेहरे पर पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन लूज हो जाती है और चेहरे पर देखा होगा आपने दाने निकल आते हैं, मुहांसे, कील और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और एक चीज़ के एक उम्र के बाद हमें अपने चेहरे पर और बॉडी पे वैक्स कराना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 40 प्लस जब हम होते हैं तो हमारी स्किन वैसे ही लूज़ हो जाती है। अगर हम वैक्सिंग कराते हैं तो ये लूजनेस और ज़्यादा आ जाती है, बुढ़ापा नज़र आने लगता है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमें इसके लिए ज़रूरत होगी घरेलू नुस्खों की, जो हम DIY बनाते हैं उसके लिए हमें जो घरेलू नुस्खे जो भी होते हैं वो हमें परमानेंटली सॉल्यूशन देते हैं। हमें इसके लिए क्या करना होगा? एक ज़रा सा हमें एक बार जितनी बार हम पेस्ट करते हैं उतना हमें पेस्ट चाहिए होगा और हमें एलम चाहिए लगभग आधा 1/4 स्पून। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे एलोवेरा जेल। आपके पास अगर मार्केट वाला एलोवेरा जेल है तो आप वो ले सकते हैं। मैंने ये प्लांट वाला एलोवेरा जेल लिया है जो मेरे पास अवेलेबल था घर पे। अगर आपके पास मार्केट वाला है तो आप उसे लीजिए, उससे भी और उससे भी अच्छा रिजल्ट आता है। और इसको हमने ले लिया है। अब हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे कि एकदम एक पेस्ट बन जाए। जैसे क्रीम होती है, हेयर रिमूवर क्रीम होती है, आपने देखी होगी, वो बन जाए उस टाइप में ये बन जाना चाहिए। इतना गाढ़ा सा पेस्ट एकदम क्रीम के जैसे बनना चाहिए। फ्रेंड्स, जो ये क्रीम्स होती हैं जो मार्केट में मिलती हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। रिजल्ट आपको तो तुरंत मिल जाता है, जैसे ही आपने लगाया बस 2 मिनट में 5 मिनट में ये साफ़ हो जाता है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं हूँ, क्योंकि ये सब बस क्षणिक हमें सुंदरता देते हैं। अगर हमें परमानेंटली रिमूव करना है, एकदम अच्छे से साफ़ कर देना है हेयर्स को, और तो उसके लिए हमें नेचुरल तरीका अपनाना होगा। जब हम बच्चों का बचपन में ही ध्यान देते हैं, उन्हें उबटन लगाते हैं और उनकी केयर करते हैं तो उनकी बॉडी पे हेयर्स बहुत कम होते हैं। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि हाँ, वर्किंग वीमेन होती हैं वो ध्यान नहीं दे पाती हैं, बच्चों के उबटन वगैरह नहीं लगा पाती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो जब बड़े होते हैं तो उनके अनवांटेड हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं और उन्हें बाहर जाने में भी शर्म लगती है। तो उस शर्म को हम कैसे निजात दिला सकते हैं उससे? इस तरीके से हम जब वो नेचुरल तरीके अपनाते हैं उसी से हमें छुटकारा मिल सकता है इस बाहर जाने से जो शर्मिंदा होना पड़ता है उसके लिए। इसमें हमने और इंग्रेडिएंट एक ऐड किया है, इसमें ऐड कर दिया हमने खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। लोग पूछते हैं कि कौन सा सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, ये चीज़ें एक ही नाम है, नाम अलग अलग हैं, चीज़ एक ही है। अब हम इसमें हमने ऐड कर दी हैं कुछ बूंदे लेमन की, क्योंकि इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें लेमन या सिरका चाहिए होगा। वाइट विनेगर जो आप अपने घर पे रखते हैं, कि सारे एक के घर में होता है, तो वो वाइट विनेगर हमें बस थोड़ा सा लेना होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेमन भी ले सकते हैं। देखिए, मेरे बस ज़रा ज़रा सी हेयर ग्रोथ हुई है, मेरे हेयर ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम हेयर्स होते हैं
अब मैं जो मैंने वो क्रीम बना के रखी थी वो मैं अपने लेग्स पे अप्लाई कर लूँगी। इसको अच्छे से पहले क्लीन कर लेना है, क्लीन करने के बाद इस क्रीम को अप्लाई कर लेना है। फ्रेंड्स अवश्यम रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से बस आपको पेशेंस रखना होगा। आप सोचें कि आपके मोटे मोटे तीखे तीखे बाल हैं, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है और आप एक ही बार में रिमूव हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार में ये हेयर्स रिमूव नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगर आप हफ्ते में दो बार इसे लगाते हैं और एक डेढ़ महीने तक इसका यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो धीरे धीरे वर्क करती हैं, और केमिकल युक्त चीज़ें हैं, लेज़र ट्रीटमेंट है, ये सब हमारे तुरंत रिजल्ट देते हैं। और लेज़र ट्रीटमेंट में तो लाखों रुपया खर्चा होता है, लाखों लग जाते हैं, तो वो हर किसी के लिए, हर कोई इसका यूज़ नहीं कर सकता है। जो हम ये लेते हैं, ये लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो हम इसे रेगुलर नहीं करा सकते हैं, ये काफ़ी कॉस्टली होता है। तो हम इस घरेलू नुस्खों का यूज़ करके ही ट्रीटमेंट अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट हैं यूट्यूब पे, तो बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर रिमूव की वीडियोस हैं, लेकिन आप जान के समझ के ही यूज़ कीजिएगा। आप तुरंत आँख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करिएगा, पहले आप उसका पैच टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही इसका यूज़ कीजिए। ये देखिए हेयर्स मेरे बहुत बारीक बारीक रोए हो गए थे, तो इस तरीके से मैंने जब देखिए हटाया है तो हल्के हल्के ये रोए रिमूव हो गए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे मेरे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यूज़फुल टिप्स मैं लाती रहती हूँ, इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस लाती रहती हूँ। आपको स्किन से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम है या उससे क्या किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, मैं उस वीडियो को लाने की कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी। स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको देखना है, या हेयर केयर की कोई भी वीडियो आपको चाहिए, हेयर्स की भी मेरे पास ढेरों सारी वीडियोस हैं। मैं कभी भी मार्केट से हेयर के लिए ऑयल लेके नहीं आती, मैं घर पे ही बनाती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं उसे बनाना आपको बता दूँगी। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बाय।